अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम इन अल यूसुफ़ अकेडमी। आज हम आपको नर्सरी क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, वन एंड, ये देखिए वन एंड टू। आज हम सीखेंगे एक प्यारा सा डिजिट, वो है हमारा थ्री। ये देखिए यहाँ पे आपका बना हुआ है थ्री। तो अब हम देखते हैं थ्री। वाओ, ये स्ट्रॉबेरी बनी हुई है इसमें तो, लेकिन कलर इसमें एक में हुआ है। चलो हम जल्दी से दूसरे में भी कलर करते हैं, फिर देखते हैं ये हमें क्या कह रहे हैं। ये हम रेड कलर उठाया और हमने फटाफट जो है स्ट्रॉबेरी पर कलर करना शुरू किया। आप लोग भी जो है अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से स्ट्रॉबेरी बनवा कर और उस पर कलर करिएगा। कितनी स्ट्रॉबेरी बनवाएंगे आप? थ्री। आज हम क्योंकि क्या सीख रहे हैं, थ्री सीख रहे हैं, तो हम जो है थ्री स्ट्रॉबेरीज बनवाएंगे घर पर और क्या करेंगे, उस पर कलर करेंगे। जी, आपकी स्ट्रॉबेरी कलर हो गई है। एक स्ट्रॉबेरी रेड कलर की होती है और इसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। इसको भी हम जल्दी जल्दी कलर कर लेते हैं। देखें, कलर हमारा जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिस तरह से स्ट्रॉबेरी बनी हुई है कलर उसके अंदर आना चाहिए। ये इसके लीव्स बहुत घूमे हुए हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से कलर करना है आपको, ताकि इसका कलर जो है वो बाहर नहीं आए। ये देखें, हमारा कलर कंप्लीट हो गया। वाओ, इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी बनी है। ये वन, ये टू। चलो थ्री वन को भी हम जो है वो कर लेते हैं कलर, फटाफट कलर कर लेते हैं हम थ्री स्ट्रॉबेरीज पे। ये हमने अपनी पेंसिल को पकड़ा है और फटाफट से अच्छा सा हम कलर कर रहे हैं। हमारा कलर जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये हमारा कलर हो गया थ्री पर। स्ट्रॉबेरी तो आपको पसंद होगी और आप लोग जो है बहुत शौक़ से खाते होंगे, खट्टी मीठी होती है। ये हमारी स्ट्रॉबेरी रेड कलर की होती है और इसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और बहुत ज़्यादा घूमे हुए होते हैं और अच्छे लगते हैं स्ट्रॉबेरी पर। स्ट्रॉबेरी के लीव्स हम निकाल देते हैं और इसको, स्ट्रॉबेरी को ऐसे ही खाते हैं। ये देखें, हमारी नंबर थ्री स्ट्रॉबेरी भी कलर होने जा रही है और ये इसका कलर कंप्लीट हो गया। जी, तो बच्चों आज हमने कितनी स्ट्रॉबेरीज पे कलर किया है, वन टू एंड थ्री। अब हम देखते हैं थ्री कैसे लिखते हैं। थ्री जो है, देखिए अपनी फिंगर रखें इस पर, ये छोटा सा सर्कल राउंड बनाकर हाफ बनाएंगे, फिर अगेन हम एक और छोटा सा सर्कल हाफ बनाएंगे। ये देखें इस तरह से, और छोटा सा लाइन को यूँ ऊपर करके लेके जाएंगे इस तरह। ये हमारा बन गया थ्री। जब कोई भी चीज़ हमारे पास तीन हो, वन टू थ्री, तो वो हमारे थ्री होती है काउंटिंग में। चलिए अब हम सीखते हैं काउंटिंग, थ्री को लिखते हैं किस तरह से। थ्री लिखने के लिए आप अपनी पेंसिल, ये देखें आपको ट्रेसिंग पेज नज़र आ रहा होगा, आप अपनी पेंसिल को इस तरह से जो है ऊपर की तरफ रखेंगे, छोटा सा गोल घुमा के सर्किल बनाएंगे हाफ, फिर नीचे की तरफ छोटा सा गोल घुमा के सर्किल बनाएंगे। ये हमारा बन गया थ्री। गोल घुमाकर ऊपर और छोटा सा गोल घुमाएंगे नीचे, ये हमारा बन रहा है थ्री। क्या बन गया ये? थ्री। ये देखिए, ये पर्पल कलर से हम बना रहे हैं अपना थ्री। बच्चों ये बहुत आसान है बनाना, जब आप बनाओगे तो इसको बहुत इजीली बना लोगे, लेकिन आपको गोल गोल घुमाना आना चाहिए पेंसिल। ये देखें, ये हमने ट्रेसिंग कर ली। अब हम डायरेक्ट वन डॉट पर सीखते हैं कि थ्री कैसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अपने डॉट पर पेंसिल रखेंगे, छोटा सा गोल घुमाकर नीचे की तरफ गोल घुमाएंगे आधा, उसके बाद एक और नीचे गोल घुमाएंगे, ये हमारा बन गया थ्री। देखो कितना प्यारा थ्री बना है। दोबारा से हम इस पर डॉट पर पेंसिल रखेंगे, छोटा सा गोल बनाएंगे आधा, उसके बाद नीचे इसके साथ ही मिलाकर एक और गोल बनाएंगे, ये हमारा बन गया थ्री। बच्चों आज हमने क्या सीखा है? थ्री। अब हम इसकी एक्टिविटी देखते हैं थ्री की। जी, टेडी बियर कितने हैं ये? वन टू थ्री, थ्री टेडी बियर हैं और यहाँ हमें थ्री की ट्रेसिंग करनी है। ये देखें इस तरह से, एक सर्किल ऊपर छोटा सा आधा, एक सर्किल नीचे, ये बन गया थ्री। ये देखिए, ये बन गया हमारा थ्री। वाओ, ये तो बहुत आसान है बनाना, आधा गोल ऊपर और आधा गोल इसके साथ मिलाकर नीचे, ये बन गया हमारा थ्री। अब हम देखते हैं कि हमें क्या एक्टिविटी समझाई जा रही है। वाओ, मैचिंग।
बच्चों इसमें क्या करना है, हमें इसमें ये करना है एक जैसे सेम डिजिट्स को, सेम नंबर को हमें मिलाना है, मैच करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है 1, ये क्या है 2 और ये है 3। तो हम 2 को इस वाली लाइन में मौजूद 2 से मैच करेंगे। यहाँ पर 2 कहाँ है, ये रहा। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल देंगे। मैं आपको विदाउट स्केल भी सिखा रही हूँ, लेकिन आप स्केल से मैच करिएगा। आप अपने इस पर जो है 2 पर अपनी पेंसिल रखिएगा और इस 2 के साथ इसको मैच कर दीजिएगा। ये आपका 2 से 2 मैच हो गया। अब यहाँ हमारे पास 1 है, इस रो में 1 देखते हैं, ये रहा 1। अब हम इस 1 को इस 1 से मैच करते हैं, आप स्केल की मदद से करिएगा। ये 1 से 1 मैच हो गया है। अब हम देखते हैं ये 3 बचा है हमारे पास, और ये 3 हमारे इस रो में यहाँ पर है, ये 3 से मैच हो गया। ये हमारे पास जो है वो 1, 2 और 3 की जो है मैचिंग वाली एक्टिविटी आ गई। अब है सर्किल द शेप्स। बेटा इसमें हमें क्या करना है, ये देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर सर्किल, गोल घुमा हुआ ये हमारे पास है सर्किल। अब हमें इस रो में दिए गए मौजूद सर्किल पर एक और सर्किल बनाना है। ये देखिए ये सर्किल है, इस पर एक सर्किल ऑलरेडी बना हुआ है। समझाने के लिए हम दूसरा वाला सर्किल ढूंढते हैं, ये रहा, इसके ऊपर एक और गोल सा सर्किल बना देते हैं। इसी तरह से एक और सर्किल दिया हुआ है, तो इस पर भी हम क्या करते हैं, गोल घुमा के सर्किल बना देते हैं। अब यहाँ में हमें शेप दी हुई है स्टार, स्टार ढूंढना है इस रो में और उसके ऊपर सर्किल बनाना है। ये देखिए पहले स्टार पे जो है वो सर्किल बना हुआ है। अब हम और स्टार ढूंढते हैं, ये रहा, इस पर हम क्या करेंगे, सर्किल बना देंगे। अब हम एक और स्टार ढूंढते हैं, ये रहा, इस पर भी हमें क्या करना है, सर्किल बनाना है। ये हमने जो है वो शेप्स को मैच किया है। बच्चों इसमें इसकी घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।